हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं गई थी मार्केटिंग करने, बहुत टाइम बाद बहुत हिम्मत जुटा करके मैं गई। और जो मुझे डाउट था ना कि सेफ्टी के पर्पस से अभी मेरा जाना सही है या नहीं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी सोच रहे हो दिल्ली जाना किसी भी मार्केट के लिए, तो सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो ना बहुत छोटी होने वाली है, तो वीडियो को ना पहले से लाइक कर लो। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके काम की चीजें बता रही हूँ, ये टिप्स आपके काम आने वाले हैं ना, तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि इस चैनल पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, आप मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हो इस चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं फ्री फील कर रही हूँ और अब मैं आपको बता सकती हूँ। मैं गई थी मॉर्निंग में 11:30, और जहाँ तक कि जो मुझे डाउट था मेट्रो स्टेशन पे पहुँचते ही, मुझे लगा बहुत क्राउड होगा जैसे कि दिल्ली में हमेशा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत स्पेस था। मेट्रो में भी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की हुई है कि लोग अगर बस उनको फॉलो करें ना, तो बहुत अच्छे से आप सोशल डिस्टेंसिंग एंड सारी चीज़ों का जो रूल है ना, उसको फॉलो कर सकते हो। और मैंने हर जगह पे देखा कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था लगातार, जो वहाँ के स्टाफ है वो बहुत अच्छे से पूरे स्टेशन को सैनिटाइज कर रहे थे। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जगह पे स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो इनका ये मतलब है कि इन स्टिकर्स के अकॉर्डिंग ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। सीट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपको कितनी कितनी दूरी पे बैठना है, तो हर जगह पे स्टिकर्स लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग जो है बहुत ज़रूरत से ही बाहर निकल रहे हैं और सब ने मास्क लगाया हुआ है। जहाँ पे आप मार्केट में जा रहे हो ना, वहाँ पे आपको क्राउड मिल सकता है, तो मेक श्योर कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं। तो हाइजीन के पर्पज़ से अगर आप ये सोच रहे हो कि दिल्ली मेट्रो सेफ है या नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि 100% सेफ है। बस आप अपना मास्क रखो अपने साथ एंड आप हैंड सैनिटाइज करते रहो टाइम टाइम पे। एंड साथ ही साथ मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जब भी आप मार्केट जाते हो ना, तो हम क्या होते हैं ना, हम अपने हेयर्स अपने स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारे हेयर्स अच्छे रहे। बट समटाइम्स हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। जैसे आप मार्केट करने जाते हो, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो ना, तो आप अपने हेयर्स को बहुत खुला छोड़ के जाते हो। हमें ये लगता है कि बस फैशन शो दिखाने का यही मौका है, बट ऐसा नहीं होता है। आप ये ट्राई किया करो कि जब आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो ना, तो आप अपने हेयर्स की ना इस तरीके से चोटियां बना लो जिससे वो सेफ रहें, जिससे वो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम ना हो आपको, आपके हेयर्स ज़्यादा ड्राई ना हो। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभी के टाइम में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, कितना ज़्यादा डस्ट है हर जगह पे, जो कि आपके हेयर्स आपके स्किन को बहुत ज़्यादा डल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही ड्राई कर देते हैं। तो सेम स्किन के साथ भी होता है जब आप शॉपिंग करने जाते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, और इस टाइम आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, देन सनस्क्रीन लगाना है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगाना है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही सनस्क्रीन लगाना है, कभी भी डायरेक्ट सनस्क्रीन अपने फेस पे मत लगाना। तो ये जो है ना, ये आपका जो छोटे मोटे ट्रैवल हैक्स होते हैं ना, ये वो हैं जो कि मैं अभी आपको बहुत अच्छे से वीडियो बना के नहीं बता रही, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं आपको अपना प्रॉपर केयर करना है। क्योंकि अगर आप एक दिन भी लापरवाही कर दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये एक्शन हर वक्त ज़रूरी नहीं होता है, और आप ये मान के चलो ना कि जो आपने कर लिया वही फैशन है। तो आप भी इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
बाहर तभी जाना जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। मुझे बहुत ज्यादा जरूरी थी, मेरे पास सर्दियों के जो कलेक्शन थे वो बिल्कुल नहीं थे, इसलिए मैं सर्दियों के कलेक्शन लेकर के आई हूँ अपने लिए। और मे भी मैं आपके साथ इसका वीडियो जो है ना बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ, और आई होप आप लोगों को ना वो वीडियो भी बहुत अच्छी लगने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से, बाय बाय।